हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूट्यूब एडिटिंग। सो गाइस, आज मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट फोटो का ब्रेक डाउन देने वाला हूँ, जो कि कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। गाइस, इसमें जो भी बैकग्राउंड्स और पीएनजी यूज हो रहे हैं, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो इंस्टाग्राम पर जल्दी से जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो डाला करता हूँ, और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, और वहाँ पे आप बात कर सकते हो डायरेक्ट मुझसे, और अपनी फोटो भी एडिट करवा सकते हो मुझसे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर देता हूँ जो भी बोलता है। और हाँ गाइज, अगर यूट्यूब को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो करना है सब कर दो, लेकिन जल्दी कर दो प्लीज गाइज। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई, सबसे पहले जो हमारी फ़ोटो है, जो हमारा बैकग्राउंड, उसको हम अपने पिक्सार्ट में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ़ोन को हम टर्न कर लेंगे, देन इसे हम जूम करके देखेंगे कैसी क्वालिटी। देन हम जाएंगे एफएक्स में, देन हमें जाना है ब्लर वाले ऑप्शन पर। देन हमें फर्स्ट ब्लर चूज़ करना है, देन इसकी ओपेसिटी हमें 5 तक रखनी है, देन इसे डन कर देंगे। सो यहाँ पे हल्का सा ब्लर आ गया है। देन हमें जाना है गाइस अपने ड्रॉ टूल पर जाना है, और गाइस यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है। देन हमें अपनी बैकग्राउंड को जो पीएनजी है उसको यहाँ पे ऐड करना है। सो गाइस, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बैकग्राउंड इरेज करने का इजी वे का इसका भी वीडियो डाल दूंगा अपने यूट्यूब पे। अगर आप कमेंट करते हैं कि कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हैं इजीली, तो इसे एडजस्ट कर लेंगे हम ट्रांसफॉर्म करके, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे इसे थोड़ा सा, परफेक्ट। सो गाइज, अब हम इसका थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसे थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा फ्रेम में आ जाए, ज़्यादा फ्रेम से आउट ना रहे। सो इस दिन हम जाएंगे पेंसिल वाले टूल पर, देन हमें अपने ब्रश लेना है फर्स्ट वाला, इसके ऑपोजिट 25 कर देनी है, और यहाँ पे वाइट कलर लेना है हमें। देन हमें ऊपर वाली लेयर पर जाके इसमें थोड़ा पेंट करना है अपने हेयर के आसपास, ताकि ऐसा लगे कि रोशनी आ रही है हमें अराउंड। तो गाइस, ये इफेक्ट बहुत इजीली बन जाता है, आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इधर भी हम कर लेंगे हल्का हल्का सा, देन ये डन हो चुका है। इसकी ऑपेसिटी हम थोड़ा कम ज़्यादा करके देख सकते हैं आप कैसी है, तो मैं यहाँ पे अराउंड 92 रख रहा हूँ कि हम मेरी सही लग रही है। देन हम बाकी की फ़ोटो जो बची है उसको एडिट करेंगे। सो गाइस, हम जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन पर, देन एडजस्ट में, और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे हम इसकी 11 तक। देन हम जाएंगे इरेज वाले ऑप्शन, इरेज करके बाद इन्वर्ट करेंगे। देन हमने फेस को क्लियर कर लेना है, ताकि फेस ब्राइट हो जाए, और अपने हाथ को भी हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ये भी डल लग रहा था। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा फेस और हाथ क्लियर हो चुका है। इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं कुछ भी आपकी फेस की ब्राइटनेस। देन देखिए बिफोर आफ्टर, देन एडजस्ट में अगेन से जाएंगे, देन कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और क्लैरिटी भी हम बढ़ा लेंगे अच्छे से, एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा कम बढ़ाएंगे, कम करेंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा कम करेंगे, शैडोज थोड़ा सा कम करेंगे, एंड टेम्परेचर को हम थोड़ा सा कुछ नहीं करेंगे। सो गाइस, अब हम एफएक्स में जाएंगे, देन एफएक्स में जाने के बाद फिल्टर चूज करेंगे हम। ये फिल्टर में GRNG कुछ टाइप का है, इसकी हम नॉइस एकदम पहले तो नॉइस कम करेंगे एकदम। देन इसका जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, इसको हम 0 करेंगे ताकि कोई ग्लिच ना हो, इसको 0 कर दे। देन आप अपने हिसाब से अपने फोटो का फेड एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे जाके वेरी इजीली। देन जैसे कि मैंने यहाँ पे 41 रखा है तो थोड़ा सही नहीं लग रहा, यहाँ पे मैंने थोड़ा बढ़ा दिया इसका 66, देन इसको डन कर दिया हमने। बहुत ही अच्छा लुक आ गया बिफोर आफ्टर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो देन हम जा रहे हैं अपने ड्रॉ टूल में, फिर से जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है जैसे कि मैंने ली है, और यहाँ पे हमें अपना
लोगो लगाना है अभी, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने कैसे अपना लोगो बनाया है तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना सकता हूँ। आप अगर कमेंट करते हैं नीचे कि इसकी एक वीडियो दो तो मैं इसकी एक वीडियो बना सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डिमांड पे एक वीडियो बन जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया अपना छोटा सा, फिर देन अब ये फोटो हो चुकी है हमारी डन, देन इसको सेव कर दिया हमने। अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने लाइट रूम में और वहाँ पे बाकी एडिटिंग करते हैं। चलिए लाइट रूम में चलते हैं गाइस। तो वैसे यहाँ पे लाइट रूम ओपन हो चुका है, देन अपनी फोटो को इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पे और अपनी फोटो को ओपन करेंगे यहाँ पे जल्दी से हम अपनी। और गाइस यहाँ पे मैं पहले ऑटो वाला फिल्टर लगा के चेक करूँगा कि फोटो कैसे आएगी, देन इसको हम चेंज कर देंगे। देन एक्सपोजर को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपने और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम करेंगे और अपने जो वाइट्स को हैं वाइट्स को हम थोड़ा सा कम करेंगे, ब्लैक को भी थोड़ा सा कम करेंगे। देन हमें वाइब्रेंस बढ़ा लेनी है अपनी थोड़ी फोटो की ताकि अच्छा सा लुक आए। देन ऑरेंज कलर की ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है और येलो कलर की ल्यूमिनस को भी बढ़ा लेना है और रेड कलर की सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। देन ग्रीन कलर सेचुरेशन को कम कर देंगे और ब्लू कलर की सेचुरेशन को एकदम माइनस में कर देंगे थोड़ा सा और डार्क ब्लू को एकदम माइनस में कर देंगे। देन पर्पल को हम लुमिनस बढ़ा लेंगे और पिंक की भी थोड़ी सेचुरेशन बढ़ा लेंगे। देन हम जाएंगे टेक्सचर वाले टूल पर, देन इसका टेक्सचर हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, देन इसका क्लैरिटी भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देन विनेट को हम थोड़ा सा कम करेंगे ताकि विनेट आ जाए। देन हम जाएंगे शार्प वाले टूल पर और वहाँ पे हम थोड़ी अपनी फोटो को शार्प करेंगे, जैसे शार्पनिंग को बढ़ा के इसका हम रेडियस कम कर देंगे और डिटेल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देन साफ हो चुकी एकदम फोटो हमारी, जैसे आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। देन हम जाएंगे ग्रेडियंट वाले टूल पर, देन हमें सर्कल ले लेना है और अपने फेस पे ड्रॉ कर लेना है सर्कल वेरी इजीली। देन सर्कल ड्रॉ होने के बाद हम सर्कल का साइज थोड़ा सही करेंगे अपने फेस के साथ। देन इसका टेक्सचर हमें कम कर लेना है ताकि फेस स्मूथ हो जाए। और गाइज इसका टेक्सचर हमने काफ़ी कम कर दिया है। देन 55 रखना है, फिर 37 रखना है सिर्फ। देन इसका थोड़ा एक्सपोजर हम बढ़ा लेंगे अपने फेस का ताकि फेस हमारा हाईलाइट हो जाए, ज़्यादा भी ना हो, फोटो खराब हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एकदम लग रहा है एकदम असली सा बैकग्राउंड ये दिख रहा है हमें जैसे ही। सो गाइज आज की वीडियो काफ़ी अच्छी थी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो मिलती रहे आगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।